बाप रे, ये लाइन आप लोग देख सकते हो, बाप रे। आओ तेरी पर राइट सीट की ले। पार्क के अंदर जाने वाली लाइए, देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है। ओ माय गॉड, बाप रे बाप। अभी तक आए नहीं हो लोग। हाय हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एना का स्ट्रीट और यूट्यूब चैनल। मैं आपको लेकर जा रही हूँ आज वंडर्स पार्क, और वंडर्स पार्क में बच्चे जाने के लिए बहुत जिद लगाए बैठे थे, क्योंकि पिछले टाइम भी हम लोग गए थे ना, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर रश तो था, लेकिन ना पूरी राइड्स बंद थी और कुछ भी इंजॉयमेंट नहीं हो पाई, और बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन भी थी, तो अंडर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से मैंने आप लोग को बोला भी था, याद है आपको कि सितंबर अक्टूबर की एंडिंग में आइएगा तो आपको सारी राइड्स ओपन मिलेंगी और बहुत सी चीज़ें बन भी जाएंगी। तो मैं जा रही हूँ देखती कि क्या क्या चीज़ बनी है और क्या क्या राइड्स ओपन है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, ये देखिए रिक्शा आगे लेकर जाती है, रश से बहुत ज़्यादा आगे लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये देखिए। अच्छा आप लोग बता दूँ कि थाना स्टेशन से नेहरू लाने के लिए ट्रेन से आप लोग इजीली एक ही ट्रेन से आ सकते हो, उसके बाद आप रिक्शा पकड़ोगे, रिक्शा आपको स्टेशन के बाहर ही मिल जाएगा। चलो ना, चलो ना, लाइन तो लगाओ टिकट की। हाँ तो देखिए फाइनली हम लोग पहुंच गए वंडर्स पार्क, और सही में बहुत ज़्यादा रश लग रहा है। वीकेंड का डे है, सैटरडे संडे तो वैसे ही गर्दी रहती है, तो आज सैटरडे है, और दूर दराज यहाँ पर आते हैं घूमने फिरने के लिए, क्योंकि अच्छा अम्यूजमेंट पार्क है यहाँ पर, और बच्चों की अच्छी इंजॉयमेंट भी हो जाती है। देखिए कितना ज़्यादा रश हो रखा है, कुछ लोग बाहर बैठे, कुछ लोग लाइन लगाए, तो हम भी आगे बढ़ते देखते हमें कहाँ से टिकट लेने को मिलता है। यहाँ पर चार काउंटर है और मेरे ख्याल से चारों काउंटर खुली होगा। चलिए आगे बढ़ता देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा रोड तक रश हो रखा है, यहाँ पर रिक्शे वाले दोनों साइड में लगाए हुए हैं, जिसे जाना है जिसे आना है उसके लिए सहूलत काफ़ी है, लेकिन रश बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए लोग अभी तक आए चले जा रहे हैं, 4:30 बज रहा है, और मुझे नहीं लगता कि हमें टिकट मिलेगी, क्योंकि टिकट काउंटर एकदम फुल है। देख सकते हो ये जो लाइन है, इन लोगों ने ज़िगज़ैग में लगा रखी है, क्योंकि अगर स्ट्रेट लगाएंगे तो पूरा रोड तक आ जाएंगे। ये देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ लाइन का शेप, देखिए किस तरह इस टाइप में गया है पूरा, ये पूरी लाइन लगाए हुए जितने खड़े हुए लोग आप देख रहे हो ना, ये पूरा टिकट के लिए खड़े हैं। तो ये देखिए ये पूरा टिकट के लिए लोग खड़े, बहुत लंबी लाइन चली गई है। हमारा नंबर आते आते ना ये पार्क बंद हो जाएगा और हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अभी नहीं, नहीं यहाँ पर हम लोग आए थे, देखिए कितनी लंबी लाइन है, देख सकते हो वंडर्स पार्क की। और यहाँ पे ना अंदर जाने की जो राइड्स है ना, उसकी सारी टिकट्स ना ख़त्म हो चुकी है, इसलिए हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखिए रश है और कितनी लंबी लाइन है। देखिए ये लाइन आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाइन है,
अगर वापस से एकदम गुस्से में आ गया क्योंकि तो वापस से राइड करके नहीं मिला है। तो यहाँ गाइस देख सकते हो मेरे पीछे जितनी भीड़ आप देख रहे हो, ये सब अंदर जाने की है, टिकट लेने की है। और इतनी लंबी लाइन लगाकर फायदा ही क्या जब हमें अंदर जाके राइड सी ना मिली लेट हो गया। और अंदर की जो राइड है ना उसकी भी टिकट पूरी खत्म हो चुकी है, पूरी फिनिश हो गई। ये जो लाइन देख रहे हो ये देखो पूरी, ये जो है ये पूरी लाइन आप देख सकते हो पूरी टिकट लेने की है। टिकट जब तक लेंगे ये लोग वहाँ तक पहुँचेंगे गेट बंद हो जाएगा, पार्क बंद हो जाएगा, तो अंदर हम पहुँच ही नहीं पाएंगे, टिकट भी वेस्ट जाएगा देख सकते हो। और इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी पूरा फिनिश हो गया हम घर चले। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ से रिक्शा पकड़ रहे हैं और जा रहे हैं बच्चों को लेकर दूसरी जगह। यहाँ पर एक और गार्डन है जिसका नाम है रॉक गार्डन, तो रॉक गार्डन में लोगों को लेकर जा रहे हैं ताकि थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए। और मैं आपको लाइन दिखाती हूँ कि वंडर्स पार्क की कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है और कहाँ से स्टार्ट है। देखिए ये वंडर्स पार्क से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरी लाइन जाएगी। ये देखो ये पूरी लाइन है, ये देखिए पूरी इतनी लंबी लाइन है, ये लाइन आप लोग देख सकते हो। अब इनको ये भी नहीं पता कि इनका नंबर आते आते पार्क बंद हो जाएगा और अंदर की ऑलरेडी राइड्स बंद हो चुकी। तो हम सारे बच्चों को लेकर एक दूसरे गार्डन में आ गए। ये गार्डन का नाम है रॉक गार्डन और ये वंडर्स पार्क के बहुत ही नजदीक है, आप पैदल भी चलकर आ सकते हो और स्टेशन से भी बहुत बहुत नजदीक है। अगर आप रिक्शे से आते तो वही 20 रुपये लगेगा और पैदल आते हो तो बहुत ही नज़दीक है, तो 10 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर आपको मिल जाएगा और स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पर है। ये देखिए ये नाम है गार्डन का, अच्छा खासा बड़ा है, तो बच्चे यहीं पर थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। यहाँ की भी टिकट जो है वो 5 रुपया है अंदर जाने की, एंट्री वाला 5 रुपया देकर आप लोग एक जन का जा सकते हो। बच्चों की चले नहीं है, 5 साल से बड़े छोटे बच्चों का टिकट नहीं लगेगा। तो अंदर जाएंगे हम लोग, काफी बड़ा गार्डन है, यहाँ पर भी आपको वगैरह मिल जाएगी बच्चों की स्लाइडिंग के लिए, घूमने फिरने के लिए मतलब सही है। अब वहाँ पर नहीं जा पाए तो सोचा बच्चों को यहीं पर घुमा देते हैं। तुम लोग यहाँ पर तो वैसा मतलब राइड्स वगैरह नहीं है लेकिन फिर भी बच्चे थोड़ा उछल कूद जाएंगे तो उन्हें थोड़ा सुकून हो जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखकर आपको इतना तो अनुभव हो चुका होगा कि सैटरडे संडे ना आए और फ्राइडे को भी ना आए, अगर हो सके तो आप लोग आओ, मंगल को आओ, बुध को आओ, जुमेरात को आओ। ये 3 दिन रश बहुत कम रहता है, बाकी अदर्स डे अगर आप लोग आ रहे हो वीकेंड में आ रहे हो तो बहुत ज्यादा रश मिलेगा वंडर्स पार्क के लिए और आप लोग अंदर भी नहीं जा पाओगे। और इनके पास इतनी भी टिकट नहीं होती कि लोग ज्यादा वीकेंड के लिए ज्यादा टिकट रखे, अंदर की राइड्स को बंद ना करें, एटलीस्ट अंदर की जो राइड्स है उसे भी बंद कर देते हैं तो फिर मतलब नहीं ना अंदर जाने का। तो चलिए यहाँ से मैं जा रही हूँ टिकट निकालने के लिए। टिकट कितने की भाई? 5 रुपए। चलो अरे खुजली आओ, ये लो अंकल वो सब रखी है पीछे, ठीक है जाओ चलो आ जाओ आ जाओ। झूला किस तरफ है? उस तरफ है सर, इधर इधर आ द बैक। ये कैमरा मैडम को दाएं एरिया में I love you. चल ज़्यादा कर रहा है ना। हाय मारा। One. I can't face. तो ये लोग भागते हुए ऊपर जा रहे हैं, मैं आपको ऊपर का भी हिस्सा दिखा देती हूँ कि ये कैसा है। अच्छा खासा बड़ा है बच्चों के घूमने फिरने के लिए, देखिए ये देखिए। अब्दुल्ला को कोई पकड़ो ना, अब्दुल्ला को पकड़, अबे मेरे आंख के सामने पकड़ो अब्दुल्ला को।
ठंडा पानी है।